टीवी का पॉपुलर शो अनुपमा में इन दिनों खूब ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहा है। वहीं सीरियल अब एक जबरदस्त मोड पर आ चुका है। अनुज अनुपमा का सच जानने के बाद श्रुति जहां अपने दिल को सच समझाने की कोशिश में लगी है, तो इसके साथ ही अनुज अनुपमा से बात करके सब कुछ क्लियर करना चाहती है, और इसके लिए श्रुति अनुज के सामने सवालों की बौछार कर देती है, और श्रुति के ये सवाल सुनकर अनुज काफी हैरान हो जाता है। तो इसके बाद श्रुति अनुपमा से मिलने भी जाती है। जी हाँ, श्रुति अनुज से अनुपमा के बारे में काफी सवाल पूछती है। दरअसल श्रुति ये जानना चाहती है कि अगर अनुपमा अनुज और आध्या की लाइफ में वापस आएगी तो क्या अनुज कपाड़िया उसे छोड़ देगा। तो वहीं दूसरी ओर अनुज श्रुति से कहता है कि उसने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। अनुज रोने भी लगता है और कहता है कि वो आज भी केवल अनुपमा से ही प्यार करता है। लेकिन अब इसके बाद भी श्रुति की छटपटाहट कम नहीं होने वाली। जी हाँ, अनुज से पूछे गए सवालों का जवाब जानने के बाद अब श्रुति अनुपमा के पास पहुँचती है। तो वहीं यशदीप अनुपमा के साथ होता है और दोनों को बात करने के लिए एक अलग से टेबल बुक कर देता है। लेकिन यहाँ अनुपमा काफी घबराई हुई है कि वह श्रुति के सवालों का जवाब कैसे देगी। दरअसल सीरियल का नया प्रोमो भी रिलीज हो चुका है। इसमें दिखाया जा रहा है कि तोशु अनुज कपाड़िया से मिलने वाला है। तो वहीं तोशु अनुज से यशदीप और अनुपमा के रिश्ते को लेकर भी बात करता है। तो वहीं अनुपमा का नाम यशदीप के साथ सुन अनुज काफी गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वो तोशु पर चिल्ला उठता है। लेकिन अब कहानी में आगे ट्विस्ट ये है कि अनुज कपाड़िया के सामने ये काफी मुश्किल आ खड़ी हुई है कि वो किसके तरफ जाए। एक तरफ जहां अनुपमा है जिसे वो काफी प्यार करता है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रुति जिसने काफी सालों से उसके बेटी आद्या को पालकर बड़ा किया है। और इस तरह से अनुज कपाड़िया रिश्तों की दोराहे पर फंसा दिख रहा है, और शो में बन रहा ये लव ट्रायंगल आगे कहानी में काफी ट्विस्ट ला सकता है। सो वेट एंड वॉच फॉर अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स इन सीरियल अनुपमा। For latest TV news and gossips, subscribe to our channel Tele Network.